जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं, सब खैरियत से हैं। चैनल है अपना देश और आज हम हैं शारजा में। शारजा का जो सबसे ज़बरदस्त व्यू है जी और ज़बरदस्त प्लेस है वो है शारजा कॉर्निश का एरिया, जहां हम इस वक्त लाइव मौजूद हैं। तो ये आपको शिप नज़र आ रहा है एक पानी में, इसको धो बोलते हैं, धो DHOW। सो ये एक रेस्टोरेंट था बेसिकली यहाँ पे, जो आजकल क्लोज है विद सम जो रीजंस, पता नहीं है क्या इस क्यों क्लोज है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त ये बनाया हुआ था इन्होंने, शारजा दो रेस्टोरेंट। ओके, सो लकड़ी से बना हुआ ये बहुत प्यारा शिप है। ये इसकी एंट्रेंस है, यहाँ से लोग एंटर होके अंदर जाते थे और अपने ऑर्डर्स जो भी खाना छाना खाते थे या विजिट करते थे। और ये मतलब बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस थी और ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है जो हम किसी भी कंट्री में कर सकते हैं, स्पेशली पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स शिप के अंदर बना के तो उसको हम कॉर्निश पे शो कर सकते हैं। तो बाकी ये जो बोर्ड्स आपके सामने नज़र आ रही हैं, ये बोर्ड्स जो हैं आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट होता है हर साल, जो बोट फेस्टिवल टाइप का होता है, जिसमें सब कंट्रीज़ यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं इस इवेंट में। और बाकायदा बहुत बड़ी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है यहाँ पे। काफ़ी नेशनलिटीज़ जो इधर शारजा में मुकीम हैं वो शाम को इस टाइम फैमिलीज़ को ले के आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे आते हैं। कोई वॉक कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई इंजॉय कर रहा है, पिक्चर्स बना रहा है, जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लग रही होगी क्योंकि बहुत प्यारा व्यू है। मैक्सिमम लोग दुबई से आते हैं, मतलब जो लोग दुबई ट्रैवल करते हैं वो इस जैसी प्लेसेस को स्किप कर जाते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो भी दुबई में आए, यूएई में आए, वो ज़रूर इस प्लेस पे आए। और इस प्लेस से आगे ये जो आपको लेफ्ट साइड पर नज़र आ रहा है, ये हिल्टन रेस्ट होटल है जो कि बहुत बड़ा फेमस ब्रांड है, इसी प्लेस पे ये भी मौजूद है ताकि मैक्सिमम विज़िटर्स जो हैं वो इस व्यू को इंजॉय कर सकें, इस प्लेस को इंजॉय कर सकें। ये बोर्ड्स जो इस टाइम गवर्नमेंट के अंडर हैं, व्यू चेक करें आप, माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू आ रहा है सनसेट का। तो हाईली रिकमेंडेड सर, ये पर एक पार्क भी है जो बहुत फेमस पार्क है इसी व्यू कॉर्निश एरिया के साथ में। तो शारजा भी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज़बरदस्त और पीसफुल प्लेस है। काफ़ी लोग बेचारे जो इंडस्ट्रियल साइड पे काम करते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में रहते हैं, उनको ये व्यूज़ कम देखने को मिलते हैं, या जो लोग बेचारे जॉब के लिए आते हैं और अपने ही सर्कल में घूमते रहते हैं बेचारे, तो उनके लिए भी ये एक शाम को या जो वीकेंड होता है उस पर मतलब आ सकते हैं, यहाँ पर आते भी हैं और यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं घरों की परेशानियों से दूर, पैसे कमाने के चक्कर में बेचारे आ जाते हैं। तो ऐसी प्लेसेस जो हैं उसमें बंदा के थोड़ा मेंटली